अब आपके सामने प्रस्तुत है महाप्रभु जी के सेवक पद्मनाभ दास जी की वाणी में राग टोड़ी में पद है हेली रसमय शिवल्लभ सुत प्रगट भये हैं आज। इस पद में पद्मनाभ दास जी ने श्री गोसाईं जी के रसमय स्वरूप का वर्णन किया है। गोसाईं जी का स्वरूप रसमय है। स्वयं श्रीनाथ जी ने रामदास जी से आज्ञा करी, कल गोसाईं जी को जन्मदिन है, तुम सामग्री को मंडान करो, हम गोसाईं जी को जन्मदिन स्वयं मनाएंगे। रामदास जी ने विनंती करी, बाबा आप का सामग्री अरोगोगे? श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, रामदास जी जैसो गोसाईं जी को स्वरूप है ऐसी ही सामग्री सिद्ध होए। गोसाईं जी को स्वरूप तो रसमय है और ऐसी सामग्री है वो जले भी है, जो भीतर सु भी रसमय और बाहर सु भी रसमय, और वो उत्सव जलेबी उत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री गोसाईं जी को स्वरूप रसमय और आपने जो मार्ग प्रकट कियो, जो मार्ग की पताका आपने फैलाई है, वो मार्ग भी रसमय है। पुष्टि मार्ग ये ब्रजभक्तन को मार्ग है, प्रेम मार्ग है, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई। गोपी जनों ने सेवा करके हमको ये बतलाया कि हमारी सेवा से ठाकुर जी वशीभूत हुए, जो आपको भी ठाकुर जी को वश करना हो तो इसी प्रकार सेवा करो। महाप्रभु जी की बधाई के चौकड़ा में आता है, प्रेम गावे प्रेम भावे प्रेम में अनुदिन रहे, प्रेम स्नेही प्रेम देही प्रेम ग्लानी नित्य कहे, प्रेम सेवा करे करावे नंद सुत हृदय रहे। आप भी रसमय और आपका यह मार्ग भी रसमय, ऐसे रसमय श्री वल्लभ सुत गोसाईं जी का प्रागट्य हुआ है। सर्वांग आपका ज्योति प्रकाश की तरंगावली प्रकट हो रही है, मधुर वचनों से भाव का सिंचन करते हैं, मुखारविंद में ललाट और द्रग विशाल है। आपका नाम है नाम रत्नाख्य में प्रेमार्ध द्रग विशालाक्ष, विशाल नेत्र प्रेम भरी दृष्टि से जीवों का पोषण करने वाले आप हैं। स्मरण मात्र से जीवों का उद्धार करते हैं, स्मरण करता दुष्कृत जाए जी, भाव की बांधे पाज, भाव की मर्यादा को बांध के आपने रखा है। पद्मनाभ दास जी इस पद में कह रहे हैं कि आप वागधीश महाप्रभु जी के कुंवर हैं, स्वयं वाक पति हैं, वाणी के पति हैं और ब्रज जनों के शिरताज हैं। आओ हम इस पद को श्रवण करें राग टोड़ी ताल ध्रुपद में। प्रगट भई आ
भावती वारे भाई लीला
अमृत रसा पद्म वारदीश कुंवर के कलाखील अवगा प्रेम सिंधु प्रजन सिरता नंददास जी की रचना है राग सारंग में। जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती प्राणपति विप्रकुल छत्र आनंदकारी। नंददास जी ने प्रस्तुत पद में श्री गुसाई जी के दोनों बहुजियों के नामों का स्मरण किया है। हे रुक्मणी नाथ, हे पद्मावती जी के प्राणपति, विप्रकुल के छत्र आनंददाता, जयति आपकी जय हो, जय हो। दीप वल्लभ वंश जगत निस्तम करन कोटि उड़राज समताप हारी। आप श्री वल्लभ कुल के दीपक समान जगत के तम अंधकार के हरता हैं आप, और कोटि चंद्र के समान ताप हरता, आपकी जय हो, जय हो। हे भक्त जनों के पावन करता, कामी जनों की कामना के पूर्ण करने वाले, आपकी जय जयकार हो। भक्त के अंदर जो भी कामना हो, श्री गुसाई जी ने वो कामना पूर्ण की है। जैसे कि गंगाबाई क्षत्राणी की माँ, उनकी कामना थी पर स्वप्न द्वारा श्री गुसाई जी ने पूर्ण की। कामी जन कामना पूर्ण चारी, मुक्ति की चाहना वाले जनों के भक्तिदायक प्रभु, सकल सामर्थ एवं अगणित गुण वाले, आपकी जय हो। नित्य गोकुल विहार करने वाले, आपकी जय हो। नंददास जी कह रहे हैं कि हे नंददास जी के नाथ, पिता गिरवरधारी गिरराज धर के प्रगट अवतार, आपकी जय जयकार हो। आओ अब हम ये पद का श्रवण करें राग सारंग ताल झपताल में। प्राणपति विप्र
वंश जगत निस्तम करण कोटि उधुराज समताप आगारी जयति रूपनिनाथ पद्मावती प्राणपति विप्रकुल तत्र अनंत पागारी जयति सकल तीरथ भरत नाम परमात्र वास ब्रज नित्य गोकुल बिहारि नौद दास निनाथ नौद दास निनाथ पिता अवतार गिरिराज नाभि जयति रूपनिनाथ पद्मावति प्राणपति विप्रकुल छत्र आनन्द पागारि जयति रूपनिनाथ पद्मावति प्राणपति विप्रकुल छत्र छित स्वामी जी की वाणी में ये पद प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रज में श्री विट्ठल नाथ विराजे। छित स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रज में श्री विट्ठल नाथ जी विराज रहे हैं, जिनको परम मनोहर श्रीमुख देखत ही अघ भाजे। जिनके परम मनोहर श्री मुखारविंद का दर्शन करने मात्र से समस्त अघ पाप दूर हो जाते हैं। जिनके पद प्रताप तेज ते सेवक जन सब गाजे। आपके पद प्रताप के तेज से आपके सेवक जनों की महिमा भी सर्वत्र गाज रही है। उसका दृष्टांत श्री कृष्ण भट्ट जी, चाचा हरिवंश जी आदि सेवकों में आपकी कृपा का पूर्ण दर्शन होता है। नाम रत्नाख्य में भी आपका नाम है। श्री रघुनाथ जी ने दिया अनन्य भक्त हृदयाय नमः। अनन्य भक्त ही आपका हृदय है। छित स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु गिरिधरन श्री विट्ठल
प्रगट भक्त हित काजे, भक्तों का हित करने के लिए ही आज आपका प्रागट्य हुआ है। आओ राग सारंग ताल त्रिताल में इस बधाई का हम श्रवण करें। श्री विठ्ठल विराज ब्रज में श्री विठ्ठल अब राग नट में कृष्णदास जी की रचना हम श्रवण कर रहे हैं। शब्द हैं जोपे श्री विठ्ठल नाथ ही गावे। आप हमें बतला रहे हैं कि जोपे श्री विठ्ठल नाथ ही गावे, जो जीव श्री विठ्ठल नाथ जी के गुण गाता है, उनका स्मरण करता है, उसे पृथ्वी पर किसी भी दिशा में कहीं भी दुख की प्राप्ति नहीं होती, वह निर्भय हो जाता है। नाम रत्नाख्य में आपका नाम है स्वपक्ष रक्षणे दक्ष।
आप अपने भक्तों के रक्षण करने में चतुर हैं। काहे को त्रैत्राप सहत जन कित फिर यहां आवे, मन कर्म वचन चरणारविंद की महिमा जो उरलावे। योग यज्ञ जप तप तीरथ व्रत को विधि वेद बतावे, कृष्ण दास को यही कृपा फल श्री वल्लभ कुल शिर नावे। वेद में योग यज्ञ जप तप तीरथ व्रत बताए, पर श्री गोसाई जी के शरण आने से ये सब का फल हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कृष्णदास जी अपने पर हुई कृपा कटाक्ष का यही फल है कि नित्य वल्लभ कुल के चरणों में सिर झुकता रहे, वही अभिलाषा ये पद में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। राग नट में ये कीर्तन है, जोपे श्री विठल नाथ ही गावे। आओ हम श्रवण करें। Thank you.
आप सभी वैष्णवों से अनुरोध है कि हवेली संगीत को कृपया परंपरा अनुसार ही सीखें और परंपरा अनुसार ही कीर्तन सेवा करें और प्रभु को रिझाएं। जय श्री कृष्ण। अब कीर्तन प्रस्तुत हो रहा है राग पूर्वी में। तुम्हारे चरण कमल के शरण, ये भगवान दास जी महाप्रभु जी के सेवक, उनकी वाणी है। इस पद में आप गोसाईं जी से विज्ञप्ति कर रहे हैं कि हे गिरिधरन विठ्ठलेश, मुझे सदा सर्वदा अपने चरण कमल को शरण दीजिए। आपका नाम रघुनाथ जी नाम रत्नाख्य में दिए हैं भक्त चिंतामणि, और एक नाम है भक्ति कल्प ध्रुम नवांकुर। भक्तों के लिए आप चिंतामणि रूप हैं और भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के नवीन अंकुर रूप हैं आप। जीवों की समस्त कामना चिंतामणि और कल्प वृक्ष पूर्ण करता है, उसी प्रकार आपके चरण कमल ही हमारे लिए चिंतामणि भी हैं और कल्प वृक्ष भी हैं। उन चरण कमल में हमें वास दीजिए। भवसागर को पार करने के लिए आपके चरणारविंद रूपी नौका के अलावा और हमें कोई पार नहीं करा सकता। वल्लभ साखी में श्री हरिराय महाप्रभु लिख रहे हैं कि भवसागर के तरण की बड़ी अटपटी चाल, शिव विठ्ठलेश प्रताप बल उतरत है तत्काल। जन्म मृत्यु रूपी भवसागर को पार करने की चाल बहुत अटपटी है। अपने प्रयत्न से स्वप्रयत्न से जीव वो पार नहीं कर पाता, परंतु जो श्री विठ्ठल नाथ जी के प्रताप बल अर्थात केवल कृपा के बल से ही तुरंत पार कर पाते हैं। कृष्णदास जी भी गाए हैं, परम उदार चतुर चिंता मणि राखत भवधारा बहो जाते। त्रिविध तापों को हरण करने वाले आपके चरण कमल पर मैं भगवान दास बलिहारी जाता हूँ, मुझे आपके चरण कमल के शरण में रखो। आओ अब इस पद का हम श्रवण करें राग पूर्वी में, तुम्हारे चरण कमल के शरण। राग पूर्वी
चीत स्वामी जी की वाणी में अब ये पद का हम श्रवण करेंगे राग गोरी में। हो चरनात पत्र की छैया। चीत स्वामी जो पूर्व में मथुरा के चीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे, गुसाइन जी की परीक्षा लेने के लिए गोकुल आए, भेंट धरने के लिए खोटा रुपया और खोटा नारियल लेके आए, मश्करी करने के लिए आए और वहीं गुसाइन जी के पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में दर्शन प्राप्त भए। और आपने वहां पद गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धर छलवे आयो पुरुषोत्तम नहीं जान। और गुसाइन जी की कृपा दृष्टि मात्र से वो खोटा रुपया खोटा नारियल भी आज असली रूप धारण कर लिए। उन्हें आश्चर्यचकित हुए जब चीत स्वामी मन में विचार किए कि संसार समुद्र में बहा जा रहा था मैं, आपने वहां से बाह पकड़ के डूबते मुझे बचाया। और तब चीत स्वामी ने यह पद उसी समय आप रच के आपके सन्मुख गान किया, हो चरनात पत्र की छैया। और गुसाइन जी आप यह पद सुन के बहुत प्रसन्न हुए। चीत स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आपके चरणारविंद छत्र छाया में हूँ, हे वल्लभ नंदन कृपा के सागर, आपने बहते हुए जीव को हाथ थाम कर शरण में लिया है। नवीन चंद्र रूपी नख की शरद ज्योत्सना छवि के द्वारा जीवों के संताप मन में स्मरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं। गिरिधरन श्री विठल के सुंदर यश का बखान वेद भी नहीं कर पाते, नेति नेति ऐसे कहके वहां आप भी वेद भी विराम ले लेते हैं, ऐसे आपके गुण हैं। आओ चीत स्वामी जी की यह वाणी राग गोरी में, जिनके शब्द हैं हो चरनात पत्र की छैया, अब हम श्रवण करेंगे। Thank you.
अपने संप्रदाय में जो कीर्तन की शैली है वो ब्रज की शैली, प्राचीन शैली आज लुप्त होती जा रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो मेरी समस्त जो वैष्णव जन कीर्तन सीख रहे हैं उनसे मेरी करबद्ध विनती है कि कृपा करके अपनी जो प्राचीन शैली है उसको बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन शैली है, इसको बनाए रखना आगे की जनरेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के समाज में जो कीर्तन का चलन जो हो रहा है, आधुनिकता का उसमें समावेश करके जो कीर्तन गान कर रहे हैं, ये अपने आप की पद्धति नहीं है। तो अपने आप की जो पद्धति है आप लोग उसको सुने, उसी पद्धति से जो प्राचीन पद्धति से सिखाते हैं उनसे आप सीखें, श्रवण करें और आनंद लें। जय श्री कृष्ण। चित स्वामी जी की रचना। श्री विठल नाथ चंद उग्यो जग में, भक्त चांदनी छाए रही। अंधकार जाके मन के मिट गए, सो तो पिया मन भाए लई। नाम रत्नाख्य में श्री गोसाई जी का नाम है पितृ वंशोदधि विदु। पिता के वंश रूपी समुद्र में से आप चंद्र के समान प्रकट हुए हैं। गोसाई जी आप विदु चंद्रमा रूप हैं। श्री विठल नाथ चंद उग्यो जग में, भक्त चांदनी छाए रही। जिस प्रकार चंद्र का उदय होता है और उसकी चांदनी सर्वत्र फैल जाती है, उसी प्रकार श्री गोसाई जी रूपी चंद्र का प्रागट्य हुआ और आपके भक्त गण ये सब चांदनी के रूप में प्रकाश रहे हैं। और भक्ति चांदनी ये अर्थ करें तो आपके द्वारा स्थापित ये मार्ग भी चांदनी की भांति चारे और आज पुष्टि मार्ग का प्रकाश हो रहा है। सूरज उगता है तब कमल खिलता है और चंद्र उगता है तब कुमुदिनी खिलती है। सूरदास जी ने भी गाया, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो। ये सिर्फ सर्व जग में ही नहीं पर सर्व युगों में भी अंधकार जो फैला हुआ था वो अब आपके प्रादुर्भाव से दूर हुआ है। इसीलिए इस अवतार को सबसे श्रेष्ठ पूर्ण कला सहित माना है। वल्लभाख्यान में भी कहा, असुर तिमिर उच्छेद वा भुवि वल्लभ देव मयंक। कलयुग में कोई असुरों को मारना नहीं है, यहां कोई ऐसा प्रत्यक्ष बलवान असुर भी नहीं हुआ है कि जिसके लिए भगवद अवतार लेना पड़े। पर दूसरे असुरों को मारने के लिए तो व्यूहावतार भी हैं, अंशावतार भी हैं। जब महाप्रभु जी गोसाई जी तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम सर्व अवतारों के अवतारी हैं, यहां कौन से असुरों को मारना है? तो कह रहे हैं दैवी जीवों के अंतःकरण में अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी असुर भरे हुए हैं। उद्वेग, प्रतिबंध, भोग, अहंता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अंतःकरण के असुरों को मारने के लिए भुवि वल्लभ देव मयंक, ये अंदर के अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री विठल नाथ चंद उग्यो जग में, भक्त चांदनी छाए रही। निष दिन नाम जपत रटत या मुक्ते, निष दिन इनका नाम जपो हे रसना। तुम श्री वल्लभ वल्लभ बोलो, विठल विठल बोलो। चीत स्वामी श्री गिरधरन श्री विठल, अब जो भई सो कब न भई। आज जो प्रादुर्भाव हुआ है वो न भूतो न भविष्यो, ऐसा प्रादुर्भाव हुआ है। अब हम इस पद का गान राग मालव ताल त्रिताल में हम श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। आपना समक्ष एक पद रजू करू छू, सुचित स्वामी जी नू छे, एनो राग मालव अने ताल त्रिताल। आप सर्व वैष्णव ने गोसाई जी ना उत्सव निमित्त ने खूब खूब बधाई।
I'm